একসময় বড় খয়রি কালো ছিলিস। आज का जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। मैं दावा करता हूँ अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो कॉमन क्रेट स्नेक एंड कॉमन उल्फ स्नेक का जो डिफरेंसेस है आप लोग साफ से देख पाएंगे। तो अगर मेरा यूट्यूब चैनल अगर ये वीडियो पसंद आता है तो मेरा चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मैं स्नेक रिलेटेड वीडियो अपना चैनल में ऐसे ही आपके सामने में लाता रहूँगा। तो देखिए फ्रेंड्स, कॉमन क्रेट जो स्नेक होता है वो हाईली वेनमस स्नेक होता है एंड कॉमन उल्फ स्नेक जो है आप मेरा हाथ में जो देख पा रहे हैं कॉमन उल्फ स्नेक है ये नॉन वेनमस स्नेक होता है। लेकिन दोनों में डिफरेंसेस होता है, लेकिन जो रेस्क्यूअर है स्नेक रेस्क्यूअर उसके लिए आसान होता है आइडेंटिफाई करना। लेकिन एक आम इंसान जो नॉर्मल इंसान है तो दोनों को एक ही स्नेक समझ लेता है, इसलिए कॉमन उल्फ स्नेक को बहुत कोई डर के मार देता है क्योंकि सोचता है ये वेनमस स्नेक है। तो आप ठीक से देखिए, ये कॉमन उल्फ स्नेक है, इट्स कॉमन उल्फ स्नेक नॉन वेनमस। कभी कभी ये स्नेक का नेचर जो होता है ये राउंड घूमता है टेल पकड़ने से, तो अगर टेल कोई नहीं छोड़ेगा तो ये अपना टेल भी तोड़ सकता है। तो ये जो स्नेक होता है इसका पहले डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। इंग्लिश में इस स्नेक को कहा जाता है कॉमन उल्फ स्नेक। इसका साइंटिफिक नाम है लाइकोडोन एवलिकास। ये टोटली नॉन वेनमस स्नेक है एंड ये स्नेक कोलुब्रिडे फैमिली से बिलोंग करता है। और इस स्नेक को बंगाली में कहा जाता है घोड़ चिथी या घोड़ कुनो या घोड़गिनी सांप, और हिंदी में इसको चित्ती सांप कहा जाता है या करैत बोलता है कोई कोई किसी किसी जगह में हिंदी पर। और इस स्नेक का जो डिफरेंसेस होता है कॉमन क्रेट से क्या होता है, मैंने पहले इसको ये कैसा होता है इसको देखिए। कॉमन उल्फ स्नेक जो है ये देखिए यहाँ से हेड से शुरू होता है, हेड से यहाँ से व्हाइट व्हाइट मोटा मोटा व्हाइट व्हाइट दाग होता है। ये जो दाग देख पा रहे हैं ये बॉडी का टेल तक नहीं जाता है, धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। और इसका कलर जो है चॉकलेटी कलर में व्हाइट व्हाइट दाग होता है। कॉमन उल्फ स्नेक जो है ये नॉन वेनमस, ये चॉकलेटी कलर में व्हाइट व्हाइट मोटा मोटा बेन रहता है। और ये स्नेक जो है ये है ओवियोपेरस, ये 3 से 7 तक अंडा देता है मैक्सिमम। और इसका मैक्सिमम लेंथ जो होता है कॉमन उल्फ स्नेक का मैक्सिमम लेंथ होता है 32 इंच, यानी 3 फीट से कुछ कम होता है, 2.5 फीट से ज़्यादा होता है। अभी जो देख पा रहे हैं ये 2 फीट से ज़्यादा है, ये एडल्ट साइज का है। और कॉमन क्रेट जो स्नेक होता है वो हाईली वेनमस स्नेक है। मैं स्क्रीन पे पिक्चर दे दूंगा। कॉमन क्रेट जो स्नेक है वो ब्लैक रहेगा, ब्लैक में व्हाइट व्हाइट रिंग रिंग रहेगा। एंड कॉमन क्रेट स्नेक रात में ही ज़्यादातर पाया जाता है, रात में ही एक्टिविटी उसका रहता है। और वो स्नेक का जो मैक्सिमम लेंथ होता है 69 इंच, यानी 6 फीट तक नहीं बढ़ता है उतना, लेकिन 5 फीट से ज़्यादा भी पाया जाता है। हाँ, लेकिन 69 इंच उसका मैक्सिमम लेंथ होता है। और वो कॉमन क्रेट जो वेनमस स्नेक है उसका इंग्लिश में नाम है इंडियन कॉमन क्रेट स्नेक, एंड वो हाईली न्यूरोटॉक्सिक वेनमस स्नेक है। और वो जो स्नेक है ओवियोपेरस है, वो अंडा देता है 8 से मैक्सिमम 12 तक अंडा देता है, लेकिन उसको साइलेंट किलर कहा जाता है। वो वेनमस स्नेक है, इंसानों का घर में कभी कभी आता है जो दूसरे सांपों को खाने के लिए या रोडेंट्स को खाने के लिए। और जो ज़मीन में सोता है तो ज़मीन में जो कोई भी इंसान अगर सोता है तो मच्छरदानी लगा के सोना चाहिए, क्योंकि उस टाइम में अगर गर्मी के टाइम में कोई भी इंसान सोता है एंड वो स्नेक का आसपास में स्नेक अगर पास आसपास में आता है तो कोई भी इंसान अगर उस टाइम में हाथ हिलाता है तो कॉमन क्रेट बाइट कर लेता है। और उसका सिम्टम जो होता है नाक के बराबर होता है। कॉमन क्रेट अगर बाइट करता है तो उसका सिम्टम जो होता है बॉडी में छोटा निशान होता है, मच्छर काटने जैसा होता है। हाँ, एंड वो 2 घंटा 1.5 घंटा या 3-4 घंटा बाद भी उसका सिम्टम स्टार्ट होता है, तो इंसान कोई भी ठीक से आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। इसीलिए मैं सबको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा, कोई भी स्नेक को अगर रेस्क्यू करते हैं तो ठीक से आइडेंटिफाई कर लीजिए, उसके बाद रेस्क्यू कीजिए।
हाँ, और ये अगर ठीक से आप देखें हैं ये वीडियो एंड तक देखे हैं तो मैं दावा से कहता हूँ इसका डिफरेंसेस आप लोग को 100% मालूम चला होगा। इसका नेचर होता है मैक्सिमम एग्रेसिव रहता है, कि मेनली पाया जाता है फ्रेंड्स घर पे ही पाया जाता है, क्योंकि इसका मेन जो आहार होता है लिजर्ड एंड रोडेंट्स छोटा मेमल्स जो होता है, तो ये घर पे ही मेनली रहता है, इसीलिए इसने घर पे रहता है, इसलिए इसका नाम ही है घोड़कुनो या घोड़चिटी सांप। एंड कॉमन ट्रेड से घर पे कभी कभी आता है, जो आहार होता है उसका छोटा स्नेक या चूहा को खाने के लिए आता है, तो दोनों को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। वीडियो का एंड तक देखने के लिए थैंक यू दोस्तों। तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यूट्यूब में स्नेक रिलेटेड वीडियो आपके सामने मैं आगे भी लाता रहूँगा, एंड स्नेक इन्फॉर्मेशन जितना भी होता है तो मेरा इस चैनल में मिलेगा। थैंक्स दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।